औरव चौधरी मंगना वाले। कोई कंपटीशन की मेरे पास सूचना नहीं थी, लेकिन इस बच्चे का फोन गया। मेरे गांव में ही प्रोग्राम था, लेकिन इस मैया की कृपा, उन्हें साउंड नहीं मिला और मैं यहाँ आई गया। और ये भी सत्य है कि रसिया जी की और मेरी आज मुलाकात भी होनी थी। तो अब आप केवल ये देखेंगे कि कितनी बढ़िया बात गाएंगे बड़े भाई भीकम रसिया जी ने। इधर से ये छोटा सा मंडल, ये तो मंडल ही है, जालंग है दल, और जे कमंडल के हो चाहे मंडल के हो चाहे एक पीढ़ी को मंडल के हो, जो कछु समझे वो समझ ले। लेकिन आज तुमको ये पता चल जाएगा कि चाहे बंडल के हो चाहे कमंडल के हो चाहे बीड़ी को बंडल के हो, अगर एक बीड़ी हुआ थिका लिकार के फेंक दई तो नशा इतना है जागो क्या सोची नहीं होगी। देखिए मेरी तरफ से जवाब बेटा कैसे गा के गए हमारे रसिया जी, दिखाएंगे मासा रब जो चाहे वही तो होना है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। के आजारी मासार दे तेरे चरणों की आस, और जीवन भर बन के रहूं माँ तेरे चरणों का। एक बार बोलिए बोलिए, शेरावाली मैया की, पथवारी मैया की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। बेटा दिखाएंगे माँ साहब रब जो चाहे वही तो होना है। क्यों जीना है हंस के हमें जीवन का ये पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है आदमी खिलौना है आदमी खिलौना है आदमी। एक सुर और बढ़ा दो मासा हो भाई ने बात शुरू की। भैया भाई ने बात शुरू की कि समय समय पे देखिए और समय समय के फेर, और समय समय पे देखिए समय समय के फेर, और समय बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी। अगर यही बात समय की तो पता है कि सबसे बड़ा बलवान वो समय है, और समय की हवा के मुताबिक जो कार्य किए जाते हैं तो बाधा टल भी जाती है। तो कहना अगर ये यूं कर दिया रसिया जी कि समय समय पे देखिए और कोई समय समय के ढंग, के समय समय पे देखिए कोई समय समय के ढंग, किस समय समय पे देखिए देखिए रे अरे सम...
समय समय पे देखिए समय समय के ढंग किस समय समय के ढंग और उस समय पे बेटी बाप घर तो समय पिया के संग तो ये समय की तो बात है लेकिन ये 51 रुपए का आशीर्वाद इस छोटे से मंडल को लल्लू पट्ठा भैया देते हैं ये मंडल आशीर्वाद की कामना करेगा और कहना लब जो चाहे वही तो होना है लब जो चाहे वही तो होना है आदमी तो गा के गए हमारे रसिया जी और ये 21 रुपए का पुरस्कार लल्लू पट्ठा आइडिया वाले अरे वाह आइडिया की वास्तव में ही बहुत अच्छा काम कर रहे मिल गए ये तो बहुत सुंदर जोड़े और कहना आइडिया की सिर्फ छुड़ाया तो ना ले जिनने बेटा जी नहीं छूटेगा ऊपर जो भिखारी थकल बो आज दानी है जो भिखारी थे आज वो तो दानी है कल भिखारी थे वो आज दानी है वक्त की मेहरबानी है यही बात ही था कल भिखारी थे आज वो दानी है और लेकिन मैं ये कह दूं कि कल जो दानी थे वो आज भिखारी है राजा विक्रमादित्य एक राजा थे और जब शनि की 7:30 आई समय के हिसाब से तो क्या हुआ घर से बेघर हो गए लेकिन मेरी तरफ से कहना यही है लल्लू पक्खा जिनका नाम चल रहा है आज पूरी रात और ये और यही है लल्लू पक्खा पकड़ लिए हमने पकड़ लिए 51 और 21 पहले और 51 अब ये लल्लू पट्ठा आइडिया वाले देते कह रहे हैं आइडिया जी हमसे संपर्क करें आकर के आज जियो बना देंगे तुमको भी कल भिखारी थे आज वो दानी है कल भिखारी थे आज वो दानी क्यों रसिया जी वक्त की मेहरबानी है वक्त की मेहरबानी है और मैं तो ये कहूँगा रसिया जी आपका छोटा भाई हूँ केवल आप देखना कि जवाब हो रहा है या नहीं हो रहा है कोशिश की है मैंने क्या बात ज्ञानी ध्यानी ने हवान पहचानी है ज्ञान धानी ने हवाना पहचानी है क्योंकि ताऊ कहते हैं कि रावण जैसो ज्ञानी और बाली सो बला पानी बाली सी बलवानी और रावण जैसो ज्ञानी लेकिन समय के आगे उन्हों की नहीं चली तो मेरा कहना हो ज्ञानी ध्यानी ने हवान पहचानी है ज्ञानी ध्यानी ने हवाना पहचानी है और रसिया जी इस समय का बड़ा चक्र है समय ने क्या करा दिया हो ज्ञानी ध्यानी ने हवाना पहचानी है समय ने याद वो याद कर दई नानी वो याद कर दई नानी है
बात को ज्ञानी ध्यान ने हवान पहचानी है, ज्ञानी ध्यान ने हवान पहचानी है। और लल्लू पक्का भैया आइडिया दोबारा आ गए, 31 रुपया से एंट्री है चुकी है। और ये 21 रुपए का आशीर्वाद लल्लू पनुखा भाई की तरफ से। और ये 101 रुपया बच्चू सिंह चौधरी इस मंडल को आशीर्वाद देते। और ये और कहना राजा बच्चू सिंह, ये 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे कमेटी वाले देते एक बार जोता थाली हो जाने के लिए। अरे क्या ध्यानी ने हवाना पे चाली है, क्या ध्यानी ने हवाना ये पे चाली है। और समय ने याद कराए दई कहानी है, समय ने याद कराए दई कहानी है, समय ने दही नानी है। जब समय खराब आता है तो सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम का राज तिलक होने के लिए जा रहा था। क्या था? भगवान श्री राम का सुबह राज तिलक हुआ, लेकिन रातों रात में क्या हुआ, वनवास हो गया। ये समय का ही चक्कर था। तुम्हारे इस गाने को 4 बंद ही बढ़ा दूंगा रसिया जी, लेकिन राजा विक्रमादित्य को समय की 7:30 आई सनी की, घर से बेघर हो गए। अब देखो सुनो, पतन करवट बदला बन में कोने मारे मारे, पतन करवट बदला बन में डोले मारे मारे। ये 21 रुपए का आशीर्वाद हमारे रीनेश चाचा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त ने करवट बदला तो ये डोले मारे मारे, फूल ने की सैया तज दी धरणी सो में बेटा, धरणी सो में बेटा, अरे फूल में की पैया सजों में बेचारे, फूल की सैया तजती पन में सो में बेचारे, भक्त की लीला न कहूं जानी है, भक्त की लीला न कहूं जानी है। रसिया जी समय की लीला न कहूं जानी है, अरे समय बन गयो आज दुश्मन जानी है, याद जे आवे तुम्हें नानी है। कैसे कहा है कि याद आवे तुम्हें दे नानी, कि आप भी बाबा हो और समय के चक्कर में बाबा फंस गए, भीतर ड्रेन याद आ रही है नानी, आ रही है सन आ रही। दिखाएंगे मां साहब भैर को, दिखाएंगे 5 से आगे ना राजेश। Thank you.
चले जाओगे जब ताली बजाएंगे तुम जिन्हें बजाएंगे लोग डानों में एक बोरी बादाम खाएगो है। कलाकार की कलाकारी पसंद आए तो तालियां और ये 50 रुपए का आशीर्वाद देवदत्त देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोता ताली बजाते हैं। काया काया करते थे मारो उस्ताद खलीफा एरे बंसी बारे थे हम बंसी बारे थे मेरे प्यारे बंसी बारे थे। और ये हमारे पूरा भैया चांदी वाले देते हैं और कह रहे हैं भैया कहाँ है दूसरे आड़िया चांदी वाले दिख रहे ना हमें थोड़ा करके दे गिलेट पकड़ लिया का ना है अपने काम के नहीं बुराई मत करे बेटा दिख रहे ना है जब कह रहा हूँ गाया करते थे मारे उस्ताद खलीफा एरे बंसी बारे थे अरे रंगी हिली ही दादा यमुना रे बंसी मारे थे मिलाई तो रंगीली राधा यमुना। और बेटा कर हम और ये हमारे 11 रुपए का आशीर्वाद धर्मेंद्र भाई कहते दे रहे हैं और कह रहे थोड़ा ना कि चटपट और स्वांदो नहीं हम सोवे चले जाएंगे। हाँ भैया टेंशन मत लो चटपटो ही होगो आपने रसिया सुनियो उधर से रसिया जी को रसिया सुनियो। हाँ क्या रसिया हो एरे मैंने लेखन में हम बे मैंने लेखन में रसिया जी तुमने लेखन में एरे मैंने लेखन में पढ़िए राधा पांचों कृष्ण की प्यारी हाँ जी गौर देंगे रसिया जी। वैसे कंपटीशन गाने के लिए नहीं आया हूँ ये भी सच्चाई है लेकिन मुझे ये पता है कि आप कहीं 6 राधा गा रहे हो कहूं 5 गा रहे हो और मैं ये कह रहा हूं कि चाहे तुम 18 गाओ लेकिन अगर ताकत तुम कलम रखते हो तो माइक पकड़ लो और मुझे 6 राधा अलग अलग गिना दो। वाह दंगल गाना छोड़ दूंगा चोरी बेटा ये वीरो शर्मा है और इसकी क्वालिफिकेशन आप जानते हो एम ए एल एल बी लेकिन तुमको ये नहीं पता है रसिया जी आपने 5 राधा गाई और 5 राधा कृष्ण की प्यारी है कौन कौन सी राधा गाएंगे बताइए बेटा। एक राधा नाम की एक राधा श्याम की एक राधा काम की एक राधा पाम की और एक राधा काम की और एक राधा गंगा गंगा राम की सुन ले केवल 2 राधाएं गंगा राम ही राधा है मान लूंगो और वो एक ही राधा गाई है तुमने श्याम की काम की पाम की और नाम की। पौनिया जी खड़े हैं और आपके अखाड़े के हैं और जानकार भी हैं और यहाँ बड़े भ्राता प्रहलाद भाई रामादल अखाड़े से बैठे हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा और राधा ऐसे नहीं गाई जाती है राधा मैं सुना रहा हूँ लिख लो और गाओ। पकड़ी चोरी पकड़ी गई के राधा तेरी गलत है पौनिया जी सामने आ जा मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो सामने आओ और जब दंगल मेरा आपसे होता है तो बात ही कुछ और होती है कि राधा तेरी गलत है और जे है राधा को प्रश्न
राधा तेरी गलत है और ये है राधा को प्रश्न कि राधा तेरी गलत है और ये है राधा को प्रश्न और राधा अमर तुम आजा को भजन करे श्री कृष्ण अगर मेरी बात सही हो पोनिया जी तो केवल यहाँ जाओ मेरे सामने बात बढ़िया गाऊंगा और ये क्योंकि ये 21 रुपए का आशीर्वाद ये सही है क्या ये हमारे क्षेत्र का नाम कर रहे हैं लेकिन कछु बात गलत गा रहे हैं वो आज सही कराऊंगा नहीं 21 रुपए का आशीर्वाद हमारे आइडिया देते हैं अब सुनो हम क्या कह रहे हैं हाँ। आप तो कह रहे हो एरे मैंने लेखनों में पढ़ी है राधा पांच पांच और जो पांचों कृष्ण की प्यारी है और राधा गांगे तुमने दो है एक गंगाराम की और एक ब्रसवान भाई दो राधाएं काम की नाम की पाम की श्याम की ये राधा एक ही है अब जिन्हें शुद्ध करो रसिया जी हाँ अरे राधा के पीछे रहे हैं नाच नाच ये कह रहे हैं पांच और मैं कह रहा हूं नाच अरे राधा के पीछे जे पहला दो भैया अरे राधा के पीछे जे भक्त रहे हैं नाच अरे पांचों न्यारी न्यारी मैं क्या कह रहा हूँ जय कह रहे हैं पांचों कृष्ण की प्यारी है और मैं क्या कह रहा हूँ पांचों न्यारी और मेरा जीएस यूट्यूब सेंटर सौरभ चौधरी जहां भी हो मेरे सामने आके बैठे अरे राधा के पीछे समझो बात समझने की है हाँ? और चाचा ताऊ मेरी बात पे ध्यान देना जैसे मैं राधा बता रहा हूँ पोनिया जी राधा जैसे मैं बता रहा हूँ अगर इन्होंने ऐसी बताई हो तो हाथ उठा देना इन्होंने तो गुरुदेव कोई भैया लोकेश खुशरो भैया पूरा आशीर्वाद है इन्होंने तो राधा गुरु को नाम रोशन करो इन्होंने तो राधा मंदिरम बताया था ही और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई संतोष पोनिया के शिष्य लोकेश चौधरी गढ़ उमरा वाले देते हैं ये मंडल धन्यवाद कहेगा और कहना एक राधा ब्रसवान दुलारी जाने दुनिया सारी एक राधा ब्रसवान दुलारी जाने दुनिया सारी शुद्ध करो रसिया जी राधन ने काम की पाम की नाम की बाम की जिंदे कामनाएं चल लो चाचा एक राधा ब्रसवान दुलारी जाने दुनिया सारी तुझी राधा रायण की वो कहलाई घरवारी कहलाई घरवारी
पहला दवाई जी, पहली राधा ब्रसवान दुलारी और दूसरी नारायण की घर बारी, अब तीसरी ए रे राधा शंकर मरे संक्रमण की राधा। और ये YouTube के माध्यम से बता रहा हूँ, बात झूठी नहीं है। और ये 21 रुपए का दान हमारे आडिया भाई देते हैं, कह रहे हैं लल्लू पक्का कहा भैया ने करा जल्दी। ए रे राधा संक्रमण की आईन कोई आंच, भैया इनके पांच और जाच काफिया धोए और मैं क्या ले रहा हूँ नाच आंच। ए रे राधा शंकर मण की आईन कोई आंच, अरे पांचों न्यारी ब्रसवान दुलारी रायण की गरवारी और संक्रमण की राधा प्यारी, तीन है गई। अब चौथी सुनो, अरे तारण तरणी है वो राधा कौलोक कहलायो, अरे तारण तरणी है वो राधा कौलोक कहलायो, जैसे विद्वानों से ही मैंने सीखा है। बताते हैं कि जो असली राधा थी वो गौलोक चली गई और उसकी छाया ब्रज में रह गई। आप जैसे ही विद्वान बताते हैं, हाँ तारण तरणी है वो राधा गौलोक कहलायो, अरे तारण तरणी है वो राधा गौलोक कहलायो। चार गई, अरे तारण तरणी है वो राधा कौलोक कहलायो, पालन पोषण कर राधा ने पुत्र करण बन पायो, अरे पुत्र करण बन पायो रे भैया, पुत्र करण बन पायो, राधे नाम की माने करण का पालन पोषण किया, ऐसे YouTube के माध्यम से कह रहा हूं। उसी राधा के नाम पर करण को राधे कहते हैं। अरे तारण तरणी है वो राधा कौलोक कहलायो, पालन पोषण कर राधा ने पुत्र करण बने पायो, भैया मेरे काफिया का कह रहे हैं भैया के सोया है डालम टू ले गई, अरे पालन हारी है तू ले लेखन में पांच, अरे पांचों न्यारी न्यारी है क्या पांच है गई, ब्रसवान दुलारी रायण की गरवारी संक्रमण की प्यारी और गौलोक बारी और राधा जिसने करण का पालन पोषण किया, जिसके नाम से करण को राधे का नाम,
ये हुआ इनका हिसाब किताब। हाँ गुरु, लोन भर गई अब आपके सामने। हाँ थोड़ा पूछूंगा कुछ नहीं, क्यों कि इस गाय की लाइन के अंदर एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। संतोष भाई, संतोष भाई ध्यान देंगे मेरी बात पे। इस ये रसियाबाजी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक बहुत बात घुसी हुई है हर कलाकार के अंदर। आप उस लखा को ले आओ और मैं छोटा कलाकार हूं और मैंने कोई बात पूछ ली और लखा ने सही बता दी, अपने नंबर पर ये कहूंगा बाने की गलत बताई है बतीना। यही बात है का दूसरी है, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी बात लड़ गई। लेकिन मैं कह रहा हूं रसिया जी, अगर मेरी बात आज सही कोई लड़ाएंगे तो मैं कहूंगा, और ये पोनिया जी बैठे ये जानते हैं, सही होगी तो मैं कहूंगा अपने मुंह से का लड़ गई और कोई बात पूछूंगा नहीं। इसीलिए क्योंकि ये कहेंगे लड़ गई और मैं कहूंगा ना लड़ी। केवल हमारी और इनकी इस दिमाग की बात देखी जाएगी, प्रसन्न कोई नहीं करूंगा, केवल दिमाग की बात होगी। संतोष भैया और कैसे बेटा, कौन सी धुन गुरुदेव? मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। केवल दिमाग की बात है, ओ होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसे कहा, अरे होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक ऐसे कहा, तेरे इश्क में मर जाएंगे देखेगा सारा जहां। महेंद्र भैया, अरे तेरे इश्क में मर जाएंगे देखेगा सारा जहां। ना आस बाकी है ना सांस बाकी है, कहना सो कहना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। रसिया जी कितना प्यार करते हैं, रसिया जी मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। पैसों को 6 साल बाद मिले ना जाते बढ़िया, ना मिल लो वीरो भैया जाते बढ़िया, मौको ना मिल लो भैया। बात बिल्कुल सही है, माँ के दरबार में मेरी बाहों में दिल की पनाहों में कह दे जो है कहना। क्या बात है बेटा, मौका मिल गया है तुम बता देना, कितना प्यार करते हैं सनम, मौका मिलेगा तो हम बता दे। आज मिला है मौका और हम मारेंगे चौका, मौका मिला है तो हम बता देंगे। पोनिया जी कितना प्यार करते हैं सनम, और चाचा और ये हमारे फिर से
51 रुपए का आशीर्वाद आड़िया देते हैं और कह रहे कहां लल्लू पक्का और हम भी देके आए किधर रखा लाइक दिखा दे। और ये 21 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए चाचा देर बहुत धन्यवाद। हाँ जी गुरुदेव, वैसे बात माँ के दरबार में माँ की होनी थी या नहीं होनी थी, लेकिन बिल्कुल राग ऐसे चला गया के हेरे कोई मरी गो काऊ को बड़ो बूढ़ो और माठिया जाए कि नहीं है। हाथ से रस गाने लगा कोई कलाकार तो क्या अच्छा लगेगा, लेकिन कहना हो भैया जुड़ती बात गा रहा हूं, जगदम्मा का दरबार है और राधा की बात है। संतोष भाई ध्यान से सुनेंगे तुम भी सभी सुने। अरे जगदम्बा पे फूल चढ़ावे गई भ्रसवान सुता, अरे जगदम्बा पे फूल चढ़ावे गई भ्रसवान सुता, अरे जगदम्बा पे फूल चढ़ावे गई भ्रसवान सुता। रसिया जी एक एक शब्द लिख लियो, न्योना के ऊपर आ रही है प्यारी और फिर नीचे कह रहे राधा श्याम की है। जगदम्बा पे फूल चढ़ावे गई भ्रसवान सुता, जगदम्बा पे फूल चढ़ावे गई भ्रसवान सुता। ग्रह गुण के बसुहीन कियो दीने सतरोत्र मिला, ग्रह गुण की बसरुद्ध किए दीने सतरुद्र मना। प्रहलाद भाई हो जगदम्बा पे फूल चढ़ावे गई भ्रसवान सुता, जगदम्बा को दरबार है और राधा की बात। जगदम्बा पे फूल चढ़ावे गई भ्रसवान सुता, ग्रह कुन की ग्रह, ग्रह कुन की ग्रह, कुन की ग्रह, कुन के पशुहीन कियो पशु हीन कियो तीने सतरुद्र मिला, ग्रहुन की पशुहीन कियो तीने सतरुद्र मिला। करके बरग है निकला अरग है, और ये अर करके बरग है निकला अरग है भाग चतुर्दश का, करके अरग है निकला अरग है भाग चतुर्दश का, अर करके बरग है निकला अरग है भाग चतुर्दश का। मैं कह रहा हूँ करके बरग है निकला अरग है भाग चतुर्दश का, और ये 11 रुपए का आशीर्वाद आड़िया देते हैं। खोल करके तुमको ये बतानी है, खोल करके तुमको ये बतानी है, हाय जोड़ करके तुमको ये बतानी है, फूलों की संख्या हार में गिनानी है। केवल केवल तुमको रसिया जी जोड़ घटाओ करने, वर्गमूल निकालना तुम्हारी बुद्धि देखी जाए कितनी। केवल जोड़ना को जो जगदम्बा पर राधा ने माला पहनाई इसमें पूरी खुली बात है। उनके बसुहीन कियो दीने सतरुद्र मिला, और करके परग है निकला अरग है भाग चतुर्दश का, और ये 11 रुपए का जोड़ जोड़ करके संख्या ये बतानी है, फूलों की संख्या हार में गिनानी है, कितने फूलों की माला है राधा प्यारी है। और दूसरा में कह रहे हैं फिर श्याम की है, एक राधा श्याम की और